हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। देखिए, पिछले जो क्लास हुआ था हमारा डिफरेंशिएशन का, जो इससे पिछला लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन का था, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट बेसिक जितना भी फॉर्मूला था वो कंप्लीट किया था डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसी सीरीज में हम लोगों ने आपको बताया था कि जितना भी यूज होगा कैलकुलस में, जिस भी पोर्शन का यूज होगा मैथ के, जिस भी ओल्ड पोर्शन का यूज होगा कैलकुलस में, उसे हम लोग देख लेंगे पहले ही, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जिसका भी यूज होगा। तो देखो, आज हम लोग मॉडुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉडुलस और लॉगरिथम, इस दोनों को आज कंप्लीटली रूप से खत्म कर देंगे, ठीक है। मॉडुलस और लॉगरिथम, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। आज का सेशन है मॉडुलस। मॉडुलस के बारे में सबसे पहले तो मॉडुलस है क्या, देखो मॉडुलस क्या है। मॉडुलस क्या है, मॉडुलस एक फंक्शन है, क्या ध्यान से समझना दोस्त। मॉडुलस एक फंक्शन है। मॉडुलस क्या है, सिंपल एक फंक्शन है। मॉडुलस क्या है, इट इज ए फंक्शन, ठीक है। यह फंक्शन है, फंक्शन कार्य क्या करता है, फंक्शन के बारे में तो आपको पता होगा। आईटीएफ के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन एक मशीन की तरह कार्य करता है। आप इस साइड से इनपुट दो और इधर आउटपुट देगा, ठीक है। मॉडुलस भी उसी तरह का एक फंक्शन है, उसको भी इनपुट दोगे तो वो आउटपुट देगा। देखो मॉडुलस फंक्शन का क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन में होता यही कि वो मॉडुलस फंक्शन जो है ना ससुरा, मॉडुलस फंक्शन जो है वो, उसको है माइनस से एलर्जी, उसको माइनस से एलर्जी है, माइनस से दुश्मनी है। वो माइनस को देखना नहीं चाहता है, यानी कि वो निगेटिव नंबर को देखना नहीं चाहता है। सॉरी, माइनस मैंने बोल दिया, निगेटिव क्वांटिटी यानी निगेटिव नंबर को वो देखना नहीं चाहता है। इनडायरेक्टली वे में निगेटिव नंबर को माइनस भी कहा जाता है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, निगेटिव नंबर को देखना नहीं चाहता है। वो जैसे ही निगेटिव नंबर मिलेगा उसको, तो वो उसको प्लस कर देता है, ठीक है। मॉडुलस का ये ऐसा जो होता है, ये सिंबल होता है मॉडुलस का। देखो इस तरह से, जो इस तरह से ध्यान से देख दोस्त, मेरा हाथ जो है इस तरह का सिंबल मॉड का होता है। इसके बीच में जैसे हमने एक नंबर x दिया, एक नंबर हमने क्या दिया x, ये हुआ मॉडुलस का सिंबल, ठीक है। ये ध्यान से देख दोस्त, ये जो हुआ ये मॉडुलस का क्या हुआ, मॉडुलस का ये हुआ सिंबल, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉड ऑफ x, क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ x, राइट सर। इसको हम लोग मॉड ऑफ x पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है मॉड ऑफ एक्स को ओपन करो। मॉड ऑफ एक्स को जब आप लोग ओपन करते हो ना, तो ये दो तरह से ओपन होता है। मॉड ऑफ एक्स को जैसे ही ओपन करते हैं तो ये दो तरह से ओपन होता है। पहला केस ये आएगा, पहला केस ये प्लस एक्स बनाएगा और दूसरा माइनस एक्स बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई एक्स, ठीक है। क्या बनाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। रही बात, ये प्लस एक्स कब बनाएगा और माइनस एक्स कब बनाएगा, क्या कोई भी आएगा कभी भी प्लस एक्स बना देगा और क्या कभी माइनस एक्स बना देगा, या किस इसका कुछ एक प्रॉपर रूल है, कुछ फंडा है या कुछ लिमिटेशन है, कब प्लस एक्स बनाएगा। तो ध्यान से समझना, प्लस एक्स कब बनाएगा, जब आपका एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, यानी कि नॉन नेगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव हो, या तो जीरो के बराबर हो। मैंने क्या कहा, या तो जीरो के बराबर हो या फिर जीरो से बराबर, यानी पॉजिटिव। भाई ये वाला पॉजिटिव, कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं समझ लेना, कोविड-19 का पॉजिटिव नहीं। जैसे ये जीरो है नंबर लाइन का, और इधर जैसे आगे बढ़ोगे तो नंबर लाइन के राइट साइड में, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6-7 में, नंबर लाइन पे पॉजिटिव होता है। अगर वो पॉजिटिव है, अगर आपका x पॉजिटिव है तो वो प्लस x बनाएगा, अगर आपका x पॉजिटिव है तो प्लस x बनाएगा, और अगर नेगेटिव है तो माइनस x बनाएगा, नेगेटिव है तो माइनस x बनाएगा। अगर माइनस x का बनाएगा जब आपका x क्या हो, लेस देन जीरो हो, यानी कि नेगेटिव हो। तो बात समझ में आया, मॉड ऑफ x कब प्लस x बनाएगा और कब माइनस x बनाएगा, ओके। देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स कब बनाएगा, जब एक्स आपका जीरो से बड़ा या ग्रेटर, सॉरी जीरो के इक्वल या फिर जीरो से बड़ा हो, और निगेटिव कब बनाएगा, जब आपका एक्स लेस देन जीरो हो, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा माइनस ऑफ 7 को प्लस 7 हम लोग लिख देते थे, ऐसा पढ़ा था क्या, मॉड ऑफ माइनस 7 को प्लस 7 लिखते थे ना बचपन में हम लोगों ने। देख ध्यान से देख, होता क्या था, आपको बोल दिया गया होगा उस समय कि इस तरह से जैसे ही इसमें कोई भी नंबर आएगा उसका माइनस खत्म कर देना, अगर प्लस है तो कोई बात नहीं, अगर माइनस है तो उसको खत्म कर देना। देखो ये माइनस 7 है ना, ये क्या है माइनस 7, इसको एस को ओपन करो, माइनस माइनस 7, माइनस और माइनस एक्स, अगर एक्स आपका क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये कैसे होता था, माइनस माइनस एक्स, ओके। तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 7 हो जाएगा, ओके। तो मॉड ऑफ एक्स कैसे ओपन होता है, ये समझ में आया। अब देखो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखना, इसमें आप बताइएगा, मॉड ऑफ एक्स को सिर्फ आप लोग ओपन कीजिए, एक्स प्लस 3 इसको ओपन करना है,
एक्स प्लस तीन ओपन करो, पहला वक्त ओपन करना है, पहले प्लस आएगा एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे यहाँ पे देख दोस्त, एक्स की जगह पे एक्स प्लस तीन है, एक्स के प्लेस में, एक्स के प्लेस में क्या है, एक्स प्लस तीन का बॉक्स है, क्या एक्स प्लस तीन का बॉक्स है, देखो एक बार क्या बनाएगा, प्लस प्लस का एक्स प्लस तीन, क्या प्लस का एक्स प्लस तीन, और एक बार क्या बनाएगा, माइनस का एक्स प्लस तीन, एक बार क्या बनाएगा, माइनस का एक्स प्लस तीन, ये तो हो गया बात, ठीक है प्लस और माइनस बनाएगा। अब रही बात क्या, ये प्लस एक्स प्लस, सॉरी प्लस का एक्स प्लस तीन कब बनाएगा, प्लस का एक्स प्लस तीन कब बनाएगा, तो ध्यान से देखो ये नंबर पॉजिटिव कब होगा, थोड़ा सा सोचो, अपने माइंड पे प्रेशर डालो और बताओ तो ये नंबर पॉजिटिव कब होगा, ध्यान से देख के, पॉजिटिव किसको बोलते हैं, पॉजिटिव या फिर जीरो के इक्वल कब होगा, ध्यान से देख के बताओ। यस 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 यस, बताओ देखो पॉजिटिव कब होगा, अगर आपका वैल्यू एक्स जो है वो माइनस थ्री या फिर इससे बड़ा हो, माइनस थ्री या माइनस थ्री से बड़ा, जरा चेक करो तो माइनस थ्री और माइनस थ्री से बड़ा, मैंने क्या कहा, माइनस थ्री या माइनस थ्री से बड़ा, देख ध्यान से देख दोस्तों, माइनस थ्री दोगे माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो होगा, माइनस थ्री से बड़ा, अच्छा माइनस थ्री से बड़ा माइनस टू होगा, नेगेटिव में उल्टा होता है तो आपको पता ही होगा, क्लास सिक्स सेवन्थ की बात है, माइनस टू है माइनस थ्री से बड़ा, माइनस टू प्लस थ्री जो कि प्लस वन बना देगा, यानी कि माइनस थ्री जो है वो आपका बाउंड्री बन रहा है, वो आपका बाउंड्री बन रहा है, ये माइनस थ्री है, इस जगह आपका फंक्शन जीरो हो रहा है, और इसके इस तरफ ऑब्वियसली माइनस थ्री के राइट हैंड साइड में, माइनस थ्री के राइट हैंड साइड में क्या होगा, माइनस थ्री के राइट साइड, राइट हैंड साइड में आपका जो होगा वो क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, और माइनस थ्री के लेस देन सॉरी एलएचएस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा का सारा क्वांटिटी, ये सारा का सारा पोर्शन निगेटिव होगा। तो बताओ तो एक्स प्लस तीन, एक्स प्लस थ्री जो था ये आपका प्लस एक्स प्लस थ्री का बताएगा, अरे लिखो ना तुम लोग अपने से, अरे बोलो, देखो कब बनाएगा, जब आपका x माइनस थ्री या उससे बड़ा हो, माइनस थ्री या उससे बड़ा हो, या फिर माइनस थ्री या उससे बड़ा हो, माइनस थ्री या उससे बड़ा हो, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, माइनस के साथ कब ओपन होगा, जब आपका x माइनस थ्री से छोटा हो, ठीक है समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, x माइनस फाइव ले रहे हैं, x माइनस फाइव का मॉड है, इसको ओपन करो फास्ट, इसको ओपन करो फास्ट फास्ट फास्ट, डू डू डू, अरे भैया प्लस का x माइनस फाइव होगा एक बार, और एक बार माइनस का x प्लस x माइनस फाइव, ये तो पहले लिख ही दो, ये तो पहले लिख ही दो, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, प्लस कब होगा, प्लस कब होगा, जब हमारा ये नंबर, देखो इसको हमें जीरो करना है, हमारा एम क्या है, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को मॉडुलस के अंदर वाले पार्ट को, एम क्या है हमारा, मॉडुलस ब्रैकेट इस तरह का डब्बा है, डब्बा के अंदर जो है उसको कब जीरो हो रहा है, वो कब जीरो हो रहा है, कब जीरो हो रहा है, वो नंबर चेक करना है, जिस पॉइंट पे वो जीरो होगा उससे आरएचएस में अगर हम आगे बढ़ेंगे, उससे आरएचएस में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा, हमारा मॉडुलस प्लस के साथ ओपन होगा, हमारा मॉडुलस जो फंक्शन है वो प्लस के साथ ओपन होगा, और अगर उस पर्टिकुलर पोर्शन जहां पे मॉडुलस फंक्शन हमारा जीरो हो रहा था, उसके एलएचएस में आएंगे तो क्या होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो मॉडुलस का क्वांटिटी है वो उस जगह से एलएचएस साइड में आने पे नेगेटिव देगा, ठीक है। अब देख ध्यान से देख, x माइनस फाइव कब जीरो हो रहा है, ये देखो फाइव एक क्वांटिटी है, ये फाइव एक पॉइंट है, यहां पे हमारा फंक्शन जीरो होगा, ये चेक कर लो, x की जगह पे 5 देके चेक करो ना भाई, ये जीरो होगा, इससे जैसे ही आगे बढ़ोगे आप, इससे राइट हैंड साइड में चलोगे, प्लस 5 से राइट हैंड साइड में, यानी कि प्लस 5 या इससे ग्रेटर पे जाओगे तो क्या होगा, प्लस के साथ ओपन होगा, और लेस में आए होते माइनस के साथ ओपन होगा, तो इसका x कहां से कहां तक, x का बताओ बिलोंग्स कहां करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और इसमें x लेस देन 5, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, 2x प्लस 5 के अंदर मॉड है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको सॉल्व करो जल्दी से, 2x प्लस 5 के अंदर मॉड है, ओपन करके बताइए, 2x प्लस 5 के अंदर मॉड है, देखो ये ओपन करने के लिए, ध्यान से समझ भाई इस बात को, ये मॉडुलस फंक्शन को ओपन करने के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स में बहुत सारा इसका यूज है, ठीक है, मॉडुलस को ओपन करके ही इस तरह से जो ऐसे मॉडुलस है ना, ऐसे मॉडुलस देगा और इसका डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको फाइंड करने को बोलेगा, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस को ओपन करने के लिए अच्छी तरह से सीख लो समझ लो, ठीक है। टू एक्स प्लस फाइव को आप लोग ओपन कीजिए, कुछ नहीं करोगे, पहले 2x प्लस फाइव तो लिख दो, प्लस का और एक बार माइनस का,
एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। अब चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, कहाँ पे जीरो होगा हमारा फंक्शन, बताओ तो भाई जल्दी से, कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पे जीरो होगा, x कहाँ पे जीरो हो रहा है, x कहाँ पे जीरो हो रहा है, x जीरो कहाँ पे हो रहा है, इसको सीधा जीरो के इक्वल कर दो ना, उधर जाएगा माइनस फाइव और ये टू डिवाइड में आएगा, माइनस फाइव बाई टू पे जीरो हो रहा है, इस इक्वेशन को जीरो कर दो, कहाँ पे जीरो हो रहा है तो सिंपल है, इसको जीरो कर दो, इस इक्वेशन को क्या करोगे, इस इक्वेशन को जीरो कर दो, जीरो करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, चेक करो तो x का वैल्यू माइनस का फाइव बाई टू आएगा क्या, अरे चेक कर लो, तो ये माइनस का फाइव बाई टू क्या हुआ, इस मॉडुलस फंक्शन का लिमिटेशन हुआ कि यहाँ से अगर हम लोग इससे अगर ग्रेटर नंबर लेंगे, इससे अगर बड़ा क्वांटिटी, इससे बड़ा पॉइंट, इससे बड़ा वैल्यू लेंगे तो जो है हमारा x यानी कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है इसलिए प्लस x के साथ ओपन होगा, और उससे जैसे छोटा लेंगे तो वो नेगेटिव हो रहा था इसलिए माइनस के साथ लिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको ओपन जो किया इसको माइनस x कब बोला, माइनस x के साथ जो ओपन किया x लेस देन जीरो यानी नेगेटिव में, ऐसा क्यों पता है, ध्यान से सोच कैसे हुआ, ऐसा हुआ क्यों, क्यों वाई, तो देख भाई आपने पढ़ा होगा माइनस ऑफ सेवन का मोड जो सेवन लिखते थे यानी कि माइनस ऑफ यानी नेगेटिव क्वांटिटी का मोड जो पॉजिटिव होता था, किसी नेगेटिव नंबर को आपको बोलेगा पॉजिटिव कर दो, मैंने क्या कहा ध्यान से सुनो, किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर दो, माइनस फाइव को पॉजिटिव कर दो, कैसे करोगे, एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस फाइव इंटू माइनस वन यानी कि प्लस का फाइव, उसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस तो नेगेटिव वाले के पास अपना रहेगा, एक माइनस हम दे रहे हैं, दोनों मिलके प्लस एक्स बनाएगा, ठीक है ओके। तो मॉडुलस फंक्शन हमारा इसी जगह पे खत्म होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम, अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा मॉडुलस आगे है लॉगरिथम, ध्यान से देखना दोस्तों लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम भी एक फंक्शन है, लॉगरिथम भी एक फंक्शन ही है या एक फंक्शन की तरह ही कार्य करता है, ठीक है ओके। अब देख ध्यान से, देख ध्यान से समझना, लॉगरिथम एक नंबर है, यह नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, मैंने क्या क्या कहा, लॉगरिथम फंक्शन है, एक नंबर है, यह नंबर को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। देखो लॉग के रूप में आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लॉग के रूप में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए यह एक नंबर भी हुआ और रिप्रेजेंट करने का मेथड भी हुआ, और लॉग एक फंक्शन बेस में इनपुट दोगे आउटपुट आएगा, ठीक है ध्यान से समझना, कोई भी नंबर है, ध्यान से सुनो कोई भी एक नंबर है उसको आप लोग दो फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने नंबर एग्जांपल के लिए लिया 49, क्या 49, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथम हमें क्या देता है, लॉगरिथम जो है वो नंबर को सॉल्व करने का कुछ बेसिक रूल्स देता है, ठीक है, लॉगरिथम का डिटेल में अगर आप लोगों को क्लास चाहिए तो वो 2 से 3 वीक के अंदर फंक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्प्लीटली रूप से सेट रिलेशन फंक्शन, जिसका प्लेलिस्ट 2 से 3 वीक में ओपन हो जाएगा, ठीक है 2 से 3 वीक में ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन के यूज के पोर्शन से हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉगरिथम है क्या, लॉगरिथम लॉग जो है, अरे ध्यान से देखो ना, लॉग क्या है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, किसी नंबर को आप लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू मेथड्स, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल मेथड एंड सेकंड लॉगरिथम मेथड, सेकंड लॉगरिथम फॉर्म, पहला क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा हुआ लॉगरिथम फॉर्म। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 है, क्या 7 का स्क्वायर 49 है, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 7 का स्क्वायर 49, इसी को लॉग के रूप में लिखो, देखो कैसे लिखा जाता है, LOG लॉग, पहले इसे लिख दो, ठीक है आपका जो नंबर है ये 49 है इसको यहाँ पे लिखो 49, और जो ये 7 है इसको यहाँ पे लिखो 7, इक्वल टू जो यहाँ पे एक्सपोनेंट था यानी पावर था उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है मैंने क्या कहा, नंबर को यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे इसको लिखिए 7 को जिसका स्क्वायर कर रहे हो और आंसर को इधर लिखिए, ठीक है इस तरह से तो उसको लिखा जाता है। अब देखो ध्यान से समझना इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग जो हुआ log 49 इसको पढ़ते हैं बेस ऑफ सेवन, इस जगह जो नंबर लिखा जाता है वो बेस है और ये नंबर है, देखो इसमें देखो ना ये 7 क्या है, बेस है क्या, ये तो नंबर है ही, ये नंबर है ही, ये 2 क्या है, 2 क्या है, पावर है, क्या है पावर है, इसका एक और नाम क्या है एक्सपोनेंट भी है,
एक्सपोनेंट भी है, और एक और नाम क्या है, डिग्री, क्या डिग्री, ठीक है। अब देखो लॉगरिथम क्या था, लॉगरिथम जो था वो नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड था। अब ध्यान से समझना इस जगह क्या मैंने क्या क्या लिख दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना एकदम, कंसेंट्रेशन 100% यहाँ पे चाहिए हमें। अब देख ध्यान से देख दोस्त, ये 49 इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, 49 सेवन का कितना डिग्री है, ये 49 इस बेस सेवन का स्क्वायर है, क्यूब है, 1/3 पावर है, कितना पावर है, कितना डिग्री है, यही इसका बेसिक मीनिंग हुआ। इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ, लॉग का जो नंबर है, लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो उस लॉग के बेस का कितना पावर है, लॉग के बेस, ये बेस है लॉग का, बेस ऑफ लॉग, और ये क्या है, नंबर है, और ये क्या है, आंसर है लॉग के बाद, ठीक है। देख ये 49 लॉग का नंबर इस बेस का कितना पावर है, कितना डिग्री है, तो ये 49 सेवन का कितना डिग्री है, 2, ओके ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देख, अब जैसे मान के चलो n इज इक्वल टू ए टू द पावर x है, लॉग बेस में ए एन इज इक्वल टू एक्स है, बताओ तो इसका क्या मीनिंग हुआ, पहले तो हमें आप इस जो पोर्शन लिखा हुआ है इसका मीनिंग ही बता दो, यहाँ पे आप लोग देख मत लेना, बताओ क्या है मीनिंग जल्दी से, ये एन जो है ए का कितना डिग्री है एक्स, ये एन जो है ए की एक्स डिग्रीज है, यानी कि एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, समझ में आया बात। इस लॉग को अगर आपको बोलेगा सिंप्लीफाई करो, इस लॉग को अगर आपको बोलेगा ब्रैक करो, लॉग फॉर्मेट से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लाओ, तो कैसे आता है, ध्यान से देखो, लॉग ए बेस में एन जो है ये ए टू द पावर एक्स हो जाता है, ठीक है। देखो पहले हम लॉग का डोमेन लिख दे रहे हैं, इसमें जो एन होता है वो शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, और ए भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ए भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ए इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये इसका डोमेन होता है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे हुआ, इसका ट्रिक देखो, ध्यान से देखना, इस लॉग पे किसी ने अटैक किया, लॉग के साथ, लॉग के पास छुप के कौन बैठा था, ए, ये ए क्या कहा, ये ए देखो क्या बोला, इस एक्स को बोला, भाई साहब सुनिए, भाई साहब मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ा सा बचाओ, इस एक्स के चरणों में आके बैठ गया ए, क्या एक्स के चरणों में बैठ गया, ये एक्स है, इसका चरण यहाँ नीचे होगा, यहाँ पे ए आके बैठ गया, लॉग यहाँ पे एक्स है, बेस में वाई है, इज इक्वल टू एम, आप बताइए इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए, देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, क्या होगा कि कोई लॉग पे कोई अटैक करेगा, जो लॉग का बेस था वाई, जो लॉग का बेस है वाई, लॉग पे अटैक करेगा तो वाई किसके चरणों में आके गिरेगा, एम के चरणों में, इस पे अटैक किया ये वाई एम के चरणों में, एक्स इज इक्वल टू एम, एम का चरण यहाँ पे, यानी वाई के ऊपर एम है, यानी वाई का पावर एम है, तो बात समझ में आया, इसको लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखिएगा और लिख लीजिए, ठीक है। आगे अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग सारा का सारा लिख दे रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में 8 प्रॉपर्टीज अभी लिखे हैं, और दो प्रॉपर्टीज और है जिसको इसके बाद वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग पहले इस 8 प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन। एक बात हमेशा याद रखना कि लॉग के बेस में, लॉग का बेस कहाँ पे होता था, लॉग का बेस यहाँ पे जी के पास होता था, अरे देखा था ना, लॉग बेस में ए एन इज इक्वल टू, इसको ऐसे तोड़ते थे, एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, कैसे भाई यहाँ से अटैक हुआ और ए उठ के एक्स के चरणों में, ठीक है। वो जो लॉग का जो बेस होता था ना, लॉग का जो बेस है वो अगर कुछ भी नहीं दिया हो, तो आप लोगों को ई मानना है। मैंने क्या कहा,
लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं हो तो सिंपल में से सिंपल शब्द में कैलकुलस में लॉग के बेस में कुछ नहीं हो ई मानेंगे, ठीक है। अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं है ई मानेंगे, अदरवाइज वो बेस देगा, ठीक है। जनरली नहीं देता है तो ई मानते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन, यहाँ पे बेस दिया हुआ है नहीं, हम लोग ई मान के चलेंगे, ठीक है। इसको प्रूफ कर दें क्या, देखो जल्दी जल्दी प्रूफ कर दे रहे हैं, लेकिन प्रूफ का कोई मायने नहीं है, प्रूफ हम लोग उसमें करते हैं एलेवंथ वाले सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे फिर भी कर दे रहे हैं, लॉग एम प्लस बेस में ई लेके चले, लॉग ई बेस का एन इज इक्वल टू लॉग बेस का ई एम एन। देख ध्यान से देख दोस्त, इसको प्रूफ करना है, हम कुछ ही फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, सारा का सारा नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ अपने से कर लेना। लॉग एम प्लस लॉग एन को लॉग एम एन प्रूफ करना है। देख ध्यान से देख क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को x मानो और इसको y मानो। मैंने क्या कहा, फर्स्ट टर्म को x, सेकंड को y, इसको x इसको y मान लो। तो पहले इस log बेस में e m इज इक्वल टू x और log बेस में e n इज इक्वल टू y, ठीक है, ये मान लिए। अब देखो तो ये क्या बनेगा, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँ तो फर्स्टली यहाँ से log पे अटैक होगा, log पे अटैक होगा तो e x के चरणों में। अरे बोलो, अरे सोचो जल्दी, यहाँ से अटैक होगा ई एक्स के चरणों में, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर एक्स, एम इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एम इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। उसी तरह से नीचे देखो, नीचे देखो, यहाँ से अटैक होगा, यहाँ से अटैक होगा ई वाई के चरणों में, इस बार ई वाई के चरणों में, इस बार एन इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई। हाँ सब ये तो मैंने कर दिया, अब क्या करें, इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू मान लो, इसको इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन टू मान लो, ठीक है। ये वन ये टू और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये वन ये टू क्या करेंगे, वन इंटू टू कर दो, ठीक है। क्या होगा, एम एन, एम एन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई। आप लोगों ने क्लास सेवन्थ में पढ़ा होगा कि गुना में पावर जुड़ता है अगर आधार सेम हो, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होता था, पावर ऐड हो जाता था अगर बेस सेम हो, यहाँ पे बेस ई है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अच्छा साहब ये तो हो गया, अब क्या करें, इस ई को वापस से लॉग वाले फॉर्म में लाओ, क्या ला सकते हो आप लोग, देखो क्या होगा, लॉग बेस में ई एम एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हुआ क्या, सोचो तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सोचना, तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो उसे, नहीं देखो क्या मैंने क्या किया इस, अच्छा देखो अगर इस लॉग पे अटैक होगा तो ई उठ के इस भाई साहब के चरणों में, इस भाई साहब के चरणों में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा वापस से इस पे अटैक कराने के बाद, तो ये आ रहा है ना, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, जैसे लॉग बेस में ए एन इज इक्वल टू एक्स, क्या हुआ, लॉग का बेस ए है एन इज इक्वल टू एक्स, इसको आप लोग क्या लिखे थे, एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, कैसे लिखे थे, यहाँ पे अटैक हुआ ए उसके चरणों में, अगर ये इससे ये आ रहा है तो क्या ये इससे नहीं आएगा, आप इस ए को इधर लाओ, ये लॉगरिथम फॉर्म था उसी नंबर एन का और ये एक्सपोनेंट, ठीक है, इस एक्सपोनेंट वाले फॉर्म को वापस लॉगरिथम वाले फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या होगा, ये ए इधर आएगा, ये ए इधर जो आएगा, ये ए इधर जो आएगा तो किसको बुलाएगा, किसको बुलाएगा अपना हेल्प के लिए, लॉग को, चूंकि लॉग पे ही अटैक हुआ तो वो उसके चरणों में न गया था, तो उसको उसके चरणों से कौन निकालेगा। जैसे देखो आपको आपको किसी ने मार रहा है, कोई अटैक किया आप पे, आप किसी अगले बंदे के चरणों में गए, ठीक है, अगला बंदा के शरण में गया, अगर अगला बंदा के शरण से बाहर आना है, अगले बंदे के शरण से आप बाहर कब आओगे, अगर वो आपका जो मार रहा था वो अगर आपका फ्रेंड हो जाए तो उसके शरण से तो बाहर आ सकते हो ना, तो वही बात यहाँ हो रहा है, ये ए इधर आएगा, इधर आएगा, देख क्या होगा, ये ए जैसे इधर आएगा तो लॉग के साथ आएगा, यानी ऊपर वाला चीज हो जाएगा लॉग बीस में ए एन इज इक्वल टू एक्स। वही स्टेप मैंने यहाँ पे फॉलो किया और लॉग बीस में ई एम एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या प्रूव होता दिख रहा है किसी को, x क्या था log m, y क्या था log n, दोनों को लिख दो, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर की बारी है, सेकेंड नंबर में कुछ नहीं करना है, वन और टू को यहाँ पे गुना किए थे आप लोग, भाग कर देना और अपने से प्रूव कर लेना, क्या मैंने गुना किया था और आप लोग भाग करके अपने से प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अरे यार लो स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखो थर्ड, क्या था, log m का पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ log m,
log m का पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ log m। इसको भी आप लोग अपने से प्रूफ कर सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। तो क्या आप लोग प्रूफ कर पाते हैं, log m की पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डॉट log m। सोचो, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे ध्यान से सुनो। m का पावर अल्फा है, देखो m का पावर अल्फा क्या मीनिंग हुआ, m का पावर अल्फा का क्या मीनिंग हुआ, m इंटू m इंटू m कितने टाइम्स, अल्फा टाइम्स। मैंने क्या कहा, 2 का पावर 4 का क्या मीनिंग हुआ, 2 इंटू 2 फोर टाइम्स, ठीक है। 2 का पावर अल्फा क्या क्या मीनिंग हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 अल्फा टाइम्स, अल्फा टाइम्स, ठीक है। उसी तरह से m का पावर अल्फा का क्या मीनिंग हुआ, m इंटू m अल्फा टाइम्स। अरे बोलो, समझ में आया क्या, m का पावर अल्फा का क्या मीनिंग हुआ, m इंटू m इंटू m इंटू m, कितना बार गुना करोगे, कितना बार गुना करोगे, अल्फा बार सर, अल्फा बार, अल्फा टाइम्स, ठीक है। अल्फा टाइम्स जो m इंटू m गुना करोगे, ध्यान से देखना क्या होगा, क्या होगा, ये बनेगा क्या, log m इंटू m इंटू m अल्फा टाइम्स, ये अल्फा टाइम्स है, ठीक है। अच्छा साहब, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, log m n इज इक्वल टू log m प्लस n। अच्छा, log में अगर प्रोडक्ट में होता था तो उसको हम लोग सम कर देते थे, यानी प्लस कर देते थे। यहाँ भी तो प्रोडक्ट में है, यहाँ भी तो प्रोडक्ट में, इसको सम करोगे, प्लस में करोगे, तो क्या करोगे, log m प्लस log m प्लस log m। समझ में आया, फिर से सुनो, ये प्रोडक्ट में है क्या, m का पावर अल्फा यानी m गुना m गुना m अल्फा टाइम्स, ठीक है। फिर से देख, m का पावर अल्फा यानी m गुना m अल्फा टाइम्स। अब क्या कर रहे हैं, अल्फा टाइम्स तो m गुना m कर दिए, अब सुनो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो m गुना m, m गुना m, m गुना n यानी एम एन, क्या था, m प्लस n, यानी कि प्लस हो रहा था, प्रोडक्ट से वापस प्लस में जा रहे थे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वापस प्लस में जाएंगे, m प्लस m log m प्लस log m प्लस log m, बनेगा क्या, log m प्लस log m प्लस log m प्लस log m बनता जाएगा, कितना बार बनेगा भाई, अल्फा बार आपका m था तो अल्फा बार log m बनेगा, यानी कि अल्फा इंटू log m बनेगा। नहीं समझ में आया, log m प्लस log m डॉट 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 अल्फा टाइम्स, अल्फा तक नहीं, अल्फा टाइम्स यानी अल्फा बार लिखा गया है। अगर देखो दू जोड़ दू, आप चार बार लिखते हो तो उसको क्या लिखते हो, 4 इंटू टू, अगर टू जोड़ टू, अगर 10 बार लिखोगे तो क्या करोगे उसको, 10 इंटू टू, अगर टू जोड़ टू अल्फा बार लिखोगे तो 2 अल्फा, अगर log m अल्फा बार लिखोगे तो क्या होगा, अल्फा log m इज इक्वल टू अल्फा डॉट log m। प्रूव हो गया क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा साहब, नंबर 4 प्रूफ क्या करना है, लॉग बेस में ए नंबर भी ए है इज इक्वल टू 1, क्या लॉग बेस में ए और नंबर भी ए है और उसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। देख क्या होगा, यहाँ पे इस पर अटैक होगा, क्या इस पर अटैक होगा, ये ए 1 के चरणों में, ये ए 1 के चरणों में, 1 के चरणों में, देखो क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 1। अच्छा देखो, किसी भी नंबर पर अगर पावर 1 हो, मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर पे अगर पावर 1 हो तो क्या आएगा उसका वैल्यू, वही क्वांटिटी रह जाएगा ना भाई, पावर 1 का यानी पावर 1 का क्या मीनिंग होता है, सेम क्वांटिटी रह जाएगा, तो a इज इक्वल टू a टू द पावर 1 यानी a, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या था, log 1 का वैल्यू 0 आता है, log 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, ध्यान से सुनो, इस जगह सारे के सारे जगह पे आप लोग डोमेन जो हमने बताया था आपको, n शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, इसको हमेशा से माइंड में रखना है कि हमारी जो बात चल रही है वो इसको फॉलो करते हुए चल रही है, ठीक है। देखो, log 1 को 0 बताना है, फिफ्थ नंबर में log 1 को 0 बताना है, क्या होगा यहाँ पे बेस में, हम लोग सपोज करो e मानते हैं, e नहीं भी होगा, कुछ भी होगा तो वो इधर आएगा ना भाई, अटैक होगा इस पे अटैक होगा तो उधर आएगा, जीरो के चरणों में। अगर जीरो किसी को अपने चरणों में लेता है, कोई भी नंबर का पावर जीरो होता है, कोई भी नंबर का पावर जीरो, वैल्यू 1, अरे ए टू द पावर 0 इज 1, सेवंथ में पढ़ा था, तुम लोग भूल गया। इसी तरह से यहाँ पे कोई भी बेस हो, कोई सा भी बेस हो, मायने नहीं रखता है, 1 मत ले लेना, जो इसका डोमेन में है वो उससे बाहर मत लेना ना,
ठीक है, जो भी इसके डोमेन में एग्जिस्ट करेगा उस वन उस बेस उस ई उस बेस की बात हम लोग अगर करें वो उधर जाएगा उस पे पावर जीरो आएगा, उस पे पावर जीरो आएगा तो वैल्यू वन, यानी ये भी प्रूव हो गया। ऐसे अटैक होगा टू द पावर जीरो इज वन ऑल्सो प्रूव्ड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ओके। तो आवर सिक्स प्रॉपर्टीज इज लॉग बेस में ए है ओके और नंबर बी है इज इक्वल टू लॉग बेस में बी नंबर ए। देखो सिक्स प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से देखो तो आपको नज़र में आएगा कि बेस जो है वो नंबर बन जा रहा है और रेसिप्रोकल करने के बाद जो आपका नंबर था वो बेस बन जा रहा है। देखो यहाँ पे बेस ए है, ध्यान से देखना, यहाँ पे बेस ए है वो यहाँ पे रेसिप्रोकल होने के बाद नंबर बन गया। यहाँ पे नंबर बी है रेसिप्रोकल होने के बाद बी बन गया, ठीक है। इसका प्रूफ देखो जल्दी से, ध्यान से देखना क्या होगा। लॉग बेस में ए बी, इसको सबसे पहले एक्स मानोगे, बताओ क्या बनेगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या लिखे, इसको जैसे एक्स माने तो क्या लिखोगे, यहाँ पे अटैक होगा लॉग पे ए टू द पावर एक्स इज बी, बी इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और इसको वाई मानो क्या, लॉग बी बेस में ए को वाई। मैंने क्या किया, ध्यान से समझो दोस्त, ध्यान से देखना, इस वाले पोर्शन को पहले एक्स माना फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इस वाले फॉर्म को वाई माना, ए इज इक्वल टू बी का पावर वाई, ठीक है समझ में आया। इसको x और इसको y मान के एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किए। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आदमी क्या करता है, आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, b में b का जो वैल्यू है ए टू द पावर x, यहाँ पे इसको पुट कर दो, ठीक है। a इज इक्वल टू बी का पावर y है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, b का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या है, अरे देखो वहाँ इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, b इक्वल टू ए टू द पावर x, b के जगह पे ए टू द पावर x दो, क्या होगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू ए टू द पावर x होल पावर y, ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन वन, क्लिक कर जाएगा कहाँ से आया है ये, समझ में आया कि मैंने क्या किया, पहले x माना इसको और उसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर y मान के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके वन का जो वैल्यू था इक्वेशन वन को टू में पुट कर दिया, वन में जो भी बी का वैल्यू आया उसको टू में पुट कर दिया। अब देखो ध्यान से देखना दोस्तों क्या रहा है यहाँ पे, देखो बी का पावर वाई, अरे कुछ गलती हो गया, देखो तो चेक करो तो एक बार, ए इज इक्वल टू बी का पावर वाई है था, ए इज इक्वल टू बी का पावर वाई और बी क्या था ए टू द पावर एक्स, नहीं ठीक है, बी क्या था ए टू द पावर एक्स। अब देखो क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्या, a इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वाई, चेक करो हुआ, a का पावर एक्स वाई इधर और इधर a का पावर नथिंग तो वन। क्या आपको क्लास सेवन्थ की बातें याद है कि अगर बेस सेम हो, किसी इक्वेशन का बेस सेम हो तो उसका पावर भी सेम होता है, उसका पावर भी सेम होता है। ए टू द पावर x इज इक्वल टू ए टू द पावर y, मैंने क्या कहा, ए टू द पावर x इज इक्वल टू ए टू द पावर y, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। देखो क्या हुआ, ए टू द पावर x इज इक्वल टू ए टू द पावर y, अगर मैंने क्या कहा, अगर ए टू द पावर x इज इक्वल टू ए टू द पावर y हो, अरे ध्यान से देख, ए टू द पावर x इज इक्वल टू ए टू द पावर y हो, बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है, बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है, यहाँ पे पावर वन है बेस सेम है, पावर वन इधर और इधर xy इक्वल टू वन, xy इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वन बाई वाई, इसको वहाँ पे रख के वापस से प्रूव कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान से क्या हुआ, वापस से देख लो, ठीक है, यहाँ पे वन था पावर और यहाँ पे xy था, बेस सेम होने के बाद पावर इक्वल हो जाता है, xy इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन बाई वाई, ठीक है, x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, दोनों को रखो x के जगह पे ये, y के जगह पे ये रखो, क्या आपको ये इक्वेशन नज़र आ रहा है, प्रूव हो गया क्या। आगे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है log बेस में ई, x को ln x कहते हैं, ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया, चूँकि ln x का यूज मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, ln x का यूज मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख,
ओके प्रॉपर्टीज नंबर 8 ए टू द पावर लॉग एक्स इज एक्स। क्या इससे पहले 7 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज नंबर 8 है ए टू द पावर लॉग एक्स इज एक्स। क्या ए टू द पावर लॉग एक्स इज एक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या कहा था याद कीजिए तो थोड़ा देर पहले, अभी मैंने आपको कहा था कि लॉग में अगर बेस कुछ भी नहीं दिया हो, लॉग का बेस खाली हो, तो आप लोग बेस क्या यूज करोगे भाई, ई। क्या यूज करोगे, ई। ए टू द पावर लॉग बेस क्या है, ई। ठीक है, ए टू द पावर लॉग एक्स को एक्स प्रूव करना है, बेस क्या है, ई। ध्यान से देखना इसको कैसे प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 8 देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इस वाले पोर्शन को। ठीक है, ए टू द पावर लॉग एक्स जो है, लॉग एक्स जो है इसको हम लोग कुछ मान ले रहे हैं। क्या माने, कुछ मान ले रहे हैं, वाई मान ले रहे हैं, जैसे लॉग एक्स इज वाई, ये ई तो बेस है इसका। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अटैक होगा इस पर अटैक जैसे होगा, यहाँ से जैसे अटैक होगा तो देखो तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखना भाई, ये ई इसके चरणों में, ई वाई के चरणों में, ई वाई के चरणों में क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्स इज ए टू द पावर वाई। अरे देखो ना मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को वाई कंसीडर किया, इस वाले पोर्शन ए टू द पावर लॉग एक्स जो था उसमें से लॉग एक्स को वाई माना, क्या वाई माना। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लॉगरिथमिक जो फॉर्मेट था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको वाई मानने के बाद लॉगरिथम फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। देखो तो क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई क्या आया, इसको जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाया तो क्या आया, ई टू द पावर वाई। अच्छा, हम लोगों ने y माना किसको था, अरे भाई मेरा y कौन था जरा देखना, तो log बेस e x, y कहाँ पे है, पावर में, तो e का पावर क्या होगा, log बेस का e x इज इक्वल टू x। हमें प्रूव क्या करना था, देख तो यही प्रूव करना था, क्या हो गया, ओके टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया, प्रॉपर्टीज नंबर 9 ध्यान से देख, प्रॉपर्टीज नंबर 9, इस प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, बेस चेंज फॉर्मूला। क्या, बेस चेंज फॉर्मूला, मैंने क्या कहा, बेस चेंज फॉर्मूला। देख तो इस वाले लॉग का बेस बता दो क्या है, अरे भाई देखो यहाँ पे ए, इसमें क्या है बी, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लॉग के बेस ए से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे कहाँ पे आ गए, लॉग का बेस बी। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, बेस चेंज फॉर्मूला। आप देखो इसका प्रूफ, इसको एक्स कंसीडर करो सबसे पहले, लॉग बेस में ए एम इज इक्वल टू एक्स। क्या, इसको एक्स कंसीडर किया। ठीक है, और ध्यान से देखना भाई, ध्यान से होता क्या है कि हम लोग करते क्या है, अगर कोई नंबर, देखो सुनो पहले, इस जगह उसका यूज नहीं होगा लेकिन ध्यान से पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दो नंबर अगर इक्वल है तो उस दोनों नंबर में आप फिर दोनों साइड में लॉग ले सकते हो। जैसे x इज इक्वल टू y है तो आप लोग log x इज इक्वल टू log y कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे log का कुछ भी बेस डालो, ये आपको आज़ादी है, आप कुछ भी बेस दे सकते हो, जो बेस यहाँ दोगे वही बेस यहाँ देना होगा। मैंने क्या कहा, अगर दो नंबर इक्वल है तो उसका किसी एग्जैक्टली सेम बेस के साथ लॉग लेने पर जो नंबर आएगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे लॉग ए बेस में एम, इसको एक्स कंसीडर किए तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। कैसे होगा, लॉग पे अटैक होगा ए उठ के एक्स के चरणों में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, क्या लॉग। ठीक है, किस बेस का लॉग ले रहा हूँ, बी बेस का, लॉग का बेस बी दे दिया, लिख लेना आप लोग यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड आप लोग लिख लेना। ठीक है, हमने क्या किया, इसको तो पहले एक्स माना, फिर उसके बाद जब उसको जो है सॉल्व करने के बाद दोनों साइड लॉग ले लिया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा सॉल्व करने के बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, उसके बाद आप ध्यान से देख, ए टू द पावर एक्स है, याद कीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 3, कौन सा प्रॉपर्टीज भाई, 3, यहाँ पे जो पावर था वो आगे आ रहा था क्या, अरे बोलो ना, यहाँ पे जो पावर था वो कहाँ आ रहा था, उठ के इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ लॉग बेस b
ए, इधर लॉग बेस बी एम, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को इधर लाओ, ये दोनों मल्टीपल में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देख तो क्या होगा, लॉग बेस में बी एम अपॉन लॉग बेस में ए, सॉरी लॉग बेस में बी ए इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स क्या था, लॉग बेस में ए एम, प्रूव हो गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देख, लॉग बेस में ए एम, क्या लॉग बेस में ए एम, लॉग बेस में ए एम है, यहाँ पे लॉग बेस में बी गया और ए यहाँ पे एम। देखो ध्यान से समझना, ये जो आपका एम था, ये जो आपका एम था वो ऊपर में ही रह गया, ठीक है। और इस वाले बेस वाले ए को ध्यान से सुनना भाई, बेस वाले ए को, बेस वाले ए को नीचे लॉग के साथ लाए, ठीक है, नीचे लाए किसके साथ, लॉग के साथ। और यहाँ पे बेस, दोनों जगह पे बेस खाली हो गया तो बेस पे कुछ भी डाल दिए। समझ में आया मैंने क्या कहा? नहीं, फिर से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, इसको लालच थ्योरम भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ हम कहते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इसका बुक का नाम लालच थ्योरम नहीं है, याद रखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा छोड़ो, देखो क्या होगा इस केस में, ध्यान से देखना, लॉग बेस में ए एम है, लॉग बेस में ए एम है, ठीक है, बेस में ए है। देखो होता क्या है, इस वाले बेस वाले ए को क्या कहा जाता है, देख बेस वाले ए को क्या कहा जाता है, बेटा नीचे आओ, जैसे लॉग का यहाँ पे देखो, इस एम को रहने दिया, इस ए को बोला जाता है बेटा नीचे आओ लॉग देंगे, हे नीचे आओ लॉग देंगे, ये ए लालच के मारे आता है नीचे, भाई मिलेगा लॉग, इसको लॉग मिल गया, बेस वाला स्थान दोनों जगह पे खाली रह गया, दोनों जगह बेस खाली रह गया, ठीक है। अब जो चाहे जिसकी मर्जी वो आके बैठ सकता है, यहाँ पे बी का मन हुआ बैठने का तो बी यहाँ भी आके बैठ गया, जो ऊपर बैठेगा वही नीचे बैठेगा, यहाँ पे एक्स का मन होगा बैठने का यहाँ भी एक्स आके बैठेगा। समझ में आया क्या हुआ, ये एम तो ऊपर एग्जैक्टली रह गया उसी बेस के साथ, उसी नंबर का जो यहाँ पे बेस था वो नीचे में आया, और बेस का जगह दोनों पे खाली हो गया, तो दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वहाँ पे कोई सा भी बेस आ गया। ये जो ऊपर वाला एम था, जो ऊपर वाला एम था वो आया ऊपर में, और नीचे जो बेस जो था वो नीचे आया, और दोनों जगह बेस का जगह खाली हो गया, बेस का कैंडिडेट खाली हो गया, वहाँ पे कोई भी आके अपना स्थान ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग है, क्या ए टू द पावर लॉग है, ए टू द पावर एक्स लॉग है, इसको अपने से प्रूव करो, तो थोड़ा देखें वीडियो पॉज करो और प्रूव करो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ए टू द पावर एक्स लॉग है, ये देखो ये जो है ना, ये सारा का सारा पोर्शन ए टू द पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लॉग ए को नीचे समझ लेना, ठीक है, ध्यान से देखना होगा क्या, ये एक्स आगे है, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड याद कीजिए, ये एक्स ऊपर जाएगा, यहाँ ए का पावर एक्स बनाएगा, क्या कुछ ऐसा होगा, ए टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स, अरे प्रॉपर्टीज थर्ड क्या था, प्रॉपर्टीज थर्ड भूल गया क्या, लॉग एम की पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ लॉग एम, क्या है यहाँ पे, अल्फा टाइम्स ऑफ लॉग एम, एक्स टाइम्स ऑफ लॉग ए क्या होगा, लॉग ए टू द पावर एक्स होगा, ये एक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, हुआ ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स, क्या हुआ, ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स, देखो ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स, अब थोड़ा सा पीछे चलो, ई टू द पावर लॉग ई टू द पावर लॉग, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स था तो एक्स आया, यहाँ पे वाई होता तो वाई आता, यहाँ पे समथिंग कुछ भी रहता तो समथिंग आता, यहाँ पे आम रहता तो यहाँ पे आम आता, अम्ब्रेला रहता अम्ब्रेला आता, ठीक है, यहाँ पे जो रहता वो आता, यहाँ पे अमरूद रहता तो यहाँ पे अमरूद आता, ठीक है, अगर यहाँ पे ए टू द पावर एक्स रहता तो यहाँ क्या आता, सिर्फ और सिर्फ ए टू द पावर एक्स, यहाँ पे गौर करो तो क्या है, ए टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स, तो बचेगा क्या, ए टू द पावर एक्स, दिस इज प्रूव्ड, ओके। तो इस तरह से इसका आंसर ले लो, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, मॉडल्स देखा और लॉगरिथम देखा, लॉगरिथम का जितना फॉर्मूला था उसको तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन आगे कल हम लोग लिमिट देखेंगे, लेकिन उसमें हम कोई भी फॉर्मूला प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, हम डिफरेंशिएशन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस सारा लिमिट सबका फॉर्मूला जो प्रूव होगा या फिर उसका जो भी डिटेल में क्लास होगा वो क्लास 11th के JEE के प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है, जो कि वो उस प्लेलिस्ट को बनने में भी टाइम है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे स्टे ट्यून कीजिए, ओके, जय हिंद, थैंक्स।